नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चैत्र की नवरात्र चल रही हैं इस समय। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे चैत्र की नवरात्रि में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और महा उपाय है, एक ऐसा उपाय जिसे गरीब हो या अमीर हो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। गरीब यदि इस उपाय को करता है तो जीवन में आने वाले समय में उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती और जीवन भर स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार अमीर व्यक्ति यदि करता है तो उसका क्षय नहीं होता, नुकसान नहीं होता, उसकी हानि नहीं होती। तो कौन सा वो उपाय है? बड़ा आसान है, बहुत सरल है। अगर आपके हृदय में जरा सी भी ममता है, जरा सी भी दया है, तो आज जो ये उपाय बताने जा रहे हैं इसको ज़रूर करें। देखिएगा चैत्र की नवरात्र में यह बड़ा आसान सा उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देगा। साथियों, गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में अगर हमें प्यास लगती है तो हमारे घर में फ्रिज है, हमारे घर में ठंडा पानी है, हम बड़ी आसानी से अपनी आत्मा को तृप्त कर लेते हैं जो प्यासी है। लेकिन ऐसे में जो पक्षी हैं वो भटकते रहते हैं जल की तलाश में, और शास्त्रों में लिखा है अगर आप किसी भी प्राणी की आत्मा को तृप्त कर देते हैं तो उससे बड़ा कोई भी पुण्य कार्य होता ही नहीं। उपाय में आपको सिर्फ इतना करना है कि जल की व्यवस्था करें किसी पात्र में, ताकि जिन जो प्यासे पक्षी हैं, चिड़िया हैं, कबूतर है, चिमनी है, वो आपके घर के दरवाजे पर, खिड़की पर आकर अपनी प्यास को बुझा सके, अपनी आत्मा को तृप्त कर सके और आपको आशीर्वाद दे। अमीर भी कर सकते हैं इस उपाय को, गरीब भी कर सकते हैं। जल जरूर रखें पक्षियों के लिए, क्योंकि ऐसे में भूतल का जो जल का भाग है, भूगर्भ में जो है, वहाँ पर भी कमियाँ आ जाती हैं, कमी हो जाती है। और पक्षियों के लिए नदी, नाले, तालाब सब कुछ सूख जाते हैं। ऐसे में उनके लिए किसी पात्र में जल की व्यवस्था करना अपने आंगन में, खिड़की पर, दरवाजे पर, यह बहुत पुण्य का कार्य है। संभव हो सके तो थोड़ा सा उनके खाने के हिसाब से दाना रखें तो फल में और पुण्य में वृद्धि होगी। उपाय करें, लाभ लें। एक अगर आप इंसान हैं, मानव हैं, तो और दया है आप में, करुणा है, तो पक्षियों के लिए यह पुण्य कार्य जरूर करें। और इससे आपको लाभ कितना बड़ा मिलेगा यह तो इस वीडियो को देखने के बाद जब इस उपाय को करेंगे तो तत्काल लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति जल की व्यवस्था पक्षियों के लिए चैत्र की नवरात्र से करता है, पक्षी के पीने से कभी भी नदियां सूखा नहीं करती, धन की कमी नहीं रहती, हमेशा जीवन में आप उन्नति करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। साथियों, किसी भी आत्मा को तृप्त करने से उससे बड़ा कोई पुण्य फल नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।